तो फ्रेंड जैसा कि देख सकते हो दबा दबा के खा रहा है। दसी का भी होता कि दादे बने हैं। हाँ अल्लाह जवाब बढ़िया टेस्ट है। कैसे वाला आदमी ने पहली बार फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोग कैरियस होंगे या ठीक ठाक होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक, आज हम बनाएंगे चना चाट। माह तो रमज़ान का, आज आठवां रमज़ान जा रहा है। आज हम बनाएंगे चना चाट। मोटू कर रहा है फ्राई समोसा पकौड़ा, थक जाता है। तो अभी हम बनाएंगे चना चाट। बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये कैसे बनाई जाती है? नेपाली मोटू थक जाता है। नहीं नहीं रोजा है अभी। सबसे पहले हमने लिए 1 किलो चने। ये रैम्बो का दूध है, थोड़ा सा मसाले में ऐड करेंगे। 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और 1 छोटा साइज का प्याज हमने ब्रीक काट लिया है और 3 अदद टमाटर हमने बॉयल करके ग्राइंड कर लिए थे। अभी हम चलते हैं पैन की तरफ अदरक लहसुन का पेस्ट लेके। तो फ्रेंड्स पैन रेडी है हमारा। इधर हम इसमें डाल देंगे 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल। ऑयल ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि चना हम ग्रेवी वाला चना बनाएंगे, बिल्कुल सूखा हुआ चना। और जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको हल्का सुनहरा करेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड देख सकते हैं हमारा अदरक लहसुन ब्राउन होकर रेडी है। अभी हम जो प्याज काटा था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको हल्का सुनहरा करेंगे। प्याज को इसको 5 मिनट तक हल्का सुनहरा कर लेंगे। पैन थोड़ी सी आग तेज करके इसको हल्का सुनहरा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मसाले जात में हमने लिया है 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1 अदद मैगी ली है कनौर मैगी, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक मिर्च, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून कूटा हुआ सूखा धनिया, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला और 1/2 टेबल स्पून चना साल्ट। तो जैसा कि फ्रेंड देख सकते पहला प्याज हल्का सुनहरा हो गया, इसको ज़्यादा नहीं करना। अभी जो टमाटर थे वो इसमें ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स कुछ देर के बाद, कुछ इस तरह के करने के बाद जो जो हमने मसाले जाते हैं वो इसमें कटे ही ऐड कर देंगे सारे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी जो हमारे पास दूध था वो इसमें 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से आप देखें ग्रेवी कितना, माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आना शुरू हो गया ग्रेवी में। अभी हम 5 मिनट तक इसको ऐसे ही पकाएंगे, जो मसाले जाते हैं वो अच्छे से ग्रेवी के अंदर हल हो जाएंगे। तो जैसा कि देखते हो हमारी ग्रेवी ने आल छोड़ना शुरू कर दी है। अभी जो हमारे चने थे वो इसमें ऐड कर देंगे चना चाट बनाने के लिए। और माशाल्लाह से आप जैसा कि आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसा, ग्रेवी ज़्यादा नहीं रखनी इसमें क्योंकि चना चाट है। बस हमारे चने बन के रेडी हैं, बस इतना सा काम है। माशाल्लाह बहुत सारे चने बन के रेडी हैं, आप देख सकते हो। अभी हम चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हो चने ट्रे में चने डाल लिए हैं। ये राम कुमार मोती को चेक करवाएंगे। सही नहीं है तेरी किसे नस्ल दिया? नहीं नहीं फ्रेंड्स बहुत अच्छे बने हैं लेकिन इसका मुंह ही ऐसे है। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हो दबा दबा के खा रहा है। दसी का भी होता कि दादे बने हैं। तो फ्रेंड्स ये इसमें क्या कहते हैं, ये चावलों की है और ये इसको क्या बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं। तो इसमें थोड़ी सी ऐड कर देंगे। ये चावलों का क्या है इसको पता नहीं। अगर आपको ये पता है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को लाजम बताइएगा ये क्या चीज़ है। तो इसको हम थोड़ी से छुरी की मदद से इसको थोड़ा बिखार लेंगे चने के ऊपर और फिर हम इसके ऊपर थोड़ी सी टमाटर मिर्ची की गार्निश लगा देंगे। जैसा कि देख सकते हो इसको चने छुपा देंगे इससे। ये देखें ये थोड़ा ये बंगाली लोग पसंद करते हैं इसको। फ्रेंड्स हमारे चने माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं उनकी फाइनल लुक, बहुत ही खूबसूरत बनाई है मैंने। जैसा कि आप देख सकते हो हमारे चने माशाल्लाह बन के रेडी हैं। आप देख सकते हो माशाल्लाह से
अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, फैमिली के साथ शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, माह रमज़ान में अपने बच्चों को बना के खिलाएं, खुद भी खाएं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मसलन ये वही चना है कि आप थोड़ा सा भी अगर बॉयल करते बनाते हो तो आप पूरी फैमिली बहुत अच्छे तरीके से खा सकते हो। अगर आप मेरे तरीके के बनाए मेरे बताए तरीके के मुताबिक बनाते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ देगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। भाई रमज़ान मुबारक हो आप सबको।